इसका मतलब यह है कि झारखंड सिर्फ सामान प्रोवाइड कराता है जिससे स्टील बनता है, लेकिन स्टील का मार्केट झारखंड में नहीं है। यह क्या कहानी है? जैसे अंग्रेज क्या करते थे कि यहां से रॉ मटेरियल जो था वो कच्चा सामान इंग्लैंड ले जाते थे, इंग्लैंड में वो सामान बनाते थे और वापस लाके इंडिया में बेच देते। हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। फाइनली जाकर के अब हम लोग जीपीएससी का एक रेगुलर क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ बात करने वाले हैं, कुछ आपको ये बताएंगे कि आप बुक लिस्ट या फिर सब्जेक्ट या फिर पास्ट पेपर या फिर सिलेबस, इन सब पे हम लोग कैसे क्या डिस्कस करेंगे या हम लोग कैसे हमारा वे फॉरवर्ड क्या होगा उस पे हम लोग बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा आपको ये बता दूं कि जो भी सिलेबस वाला पोर्शन है वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। सिलेबस वाला पोर्शन कैसे मतलब किस चीज़ को कैसे डिस्कस करेंगे और हम लोग का क्लासेस कैसा होगा वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और आपका कोई सजेशन हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। और एक रिक्वेस्ट है जो मैं आपसे अब करने जा रहा हूँ, देखिए आप वीडियो को अगर पसंद करते हैं तो लाइक कीजिए, खराब है वीडियो डिसलाइक कीजिए, आप चाहते हैं कि इस वीडियो में कुछ सुधार किया जाए तो कमेंट कीजिए। लेकिन अगर कोई फैकल्टी आपके लिए कुछ मेहनत कर रहा है तो आप लोग भी एक रिएक्शन, एटलीस्ट एक रिएक्शन दें उसको लेकर के, ठीक है, कि अच्छा है खराब है क्या ठीक किया जा सकता है, तो हम लोग उसको लेकर के मेहनत करेंगे। जब आप लोग की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आता ना तो हमारा मोटिवेशन ही नहीं रहता कुछ बनाने का, ठीक है। मोटिवेशन से याद आया, अब लोग मोटिवेशनल वीडियो पर भी काम करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए, और एक बात मैं आप लोगों से कह दूं कि जो लोग ये सोच के बैठे हैं कि जेपीएससी का फॉर्म कब आएगा या जेपीएससी का एडमिट कार्ड कब आएगा या फॉर्म आएगा तब तैयारी, वो बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं, वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी में गुजर रहे हैं। देखिए होता क्या है कि बीपीएससी भी यही पैटर्न पे चलता था, 5 साल में एक एग्ज़ाम कराता था। अचानक से बीपीएससी में सुधार हुआ और 63rd 64 65th एक साथ करा दिया। एक साथ का मतलब है 6 महीना में, 5 महीना में, 4 महीना में करा दिया। जो बच्चे इस इंतजार में थे कि बीपीएससी तो रेगुलर है नहीं, क्या होगा नहीं होगा, तो वो अपना पढ़ाई किसी तरह से कर रहे थे। जब 63rd आया तो बच्चे पढ़ने लगे, उसमें से कुछ बच्चे फेल किए। जो फेल किए उनको लगा कि नेक्स्ट टाइम हम बहुत मेहनत करेंगे जब बीपीएससी अगले साल आएगा, तो बीपीएससी ने अगले साल ना करके उसी साल फिर वैकेंसी दे दी। अब पहले आपको जब 63rd आया था तो आपको 6 मंथ प्रिपरेशन का टाइम मिला था, मुश्किल से आपने 63rd के लिए जी जान से मेहनत किया। फिर 64th आ गया, उसके लिए फिर आपको मात्र 6 महीना का टाइम मिला। अब आप क्या थे कि उस 6 महीना में भी क्रैश कोर्स की पढ़ाई कर रहे थे अपने तरफ से तैयार करके, क्रैश कोर्स। अब इस 64th के लिए भी क्रैश कोर्स की ही तैयारी कर रहे थे। 64th में भी किसी का रिजल्ट नहीं हुआ, अब 65th का वो इंतजार करने लगे। फिर 65th आ गया, फिर 6 महीना का समय, मतलब मैक्सिमम 6 मंथ का टाइम, फिर आप एक और क्रैश कोर्स कर लिए। आपने तीन तीन क्रैश कोर्स किया लेकिन एक भी फाउंडेशन कोर्स नहीं किया अपने से। कोचिंग वाला बात हम नहीं कर रहे, जो कोचिंग जाकर के पढ़ रहे हैं वो, लेकिन जो खुद से पढ़ रहे हैं उनके लिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो अगर आप एग्जाम के इंतजार में है ना तो आप क्रैश कोर्स करते रह जाएंगे, आपका एग्जाम नहीं निकलने वाला, ठीक है। तो अब समय है कि आप अपना बेस, अपना फाउंडेशन तैयार कीजिए, और हम लोग फाउंडेशन को लेकर के ही चल रहे हैं। कैसे, क्या शुरुआत करेंगे हम लोग? सबसे पहले जेपीएससी, 7th जेपीएससी, हम लोग इसको खुद से नाम देते हैं, आयोग ने नहीं दिया तो कोई बात नहीं, क्योंकि पूरा पेपर जो है वो हम लोग कोडिंग डिकोडिंग करके पढ़ने वाले हैं। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब ये है कि हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसको एक कोड देंगे, और वो कोड जो होगा वो आपके नोट्स के सबसे ऊपर लिखा होगा। तब आप जब सिलेबस उठाएंगे तो आप सिर्फ वो टॉपिक उठाएंगे और उसका नोट्स उठाएंगे, वो कोड आपका मैच। कोड क्या है, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम लोग सॉफ्टवेयर कोड की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बस नंबरिंग करेंगे। जैसे इसको 7 जेपीएससी, हम लोग खुद से नंबरिंग कर रहे हैं, ठीक है। इसको, इस पे अब हम लोग रेगुलर क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात ये है कि जो टेक्निकल पेपर है ना, हम लोग उसको डील करना शुरू करेंगे। अब इसमें टेक्निकल पेपर कौन कौन सा हो जाता है या क्या पेपर है और कैसे हम लोग डील करेंगे उस पर बात करते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी, जिस भी सब्जेक्ट का हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे उसका सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे, उस सब्जेक्ट में सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे कि पीटी और मेंस, प्रीलिम्स प्लस मेंस का एक कंबाइंड सिलेबस बनाएंगे, ठीक है। प्रीलिम्स प्लस मेंस का एक कंबाइंड सिलेबस बनाएंगे, हम लोग नहीं बनाएंगे, जो जेपीएससी ने बनाया उसको एक A4 शीट पे उसको उतारेंगे, ठीक है। अब प्रीलिम्स मेंस को उतारेंगे,
उसके बाद क्या करेंगे कि प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछा गया है सिक्स जेपीएससी में, हम लोग कोशिश करेंगे कि सिक्स जेपीएससी को ही अपना फाउंडेशन माने, बाकी देखेंगे तो हम लोग इसके पहले का भी जो बीपीएससी जेपीएससी हुआ है उसके भी क्वेश्चंस को, लेकिन सिक्स जेपीएससी को हम लोग फाउंडेशन मान के चलेंगे क्योंकि सिलेबस यहीं से बदला है। तो प्रीलिम्स में जो भी क्वेश्चन सिक्स जेपीएससी में पूछा गया है उस टॉपिक से, उस सब्जेक्ट से, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग उठाते हैं एंशियंट हिस्ट्री, क्लासेस हम लोग हिंदी में करेंगे, ठीक है, प्रीलिम्स उठाते हैं। अब देखना कि प्रीलिम्स में एंशियंट हिस्ट्री का कितना क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन है। मेंस में कहां पे है, तो जो GS1 है यानी पेपर 3 है उसका जो सेक्शन 1 है उसमें जो पार्ट 1 है वहां पे एंशियंट हिस्ट्री है, ठीक है, तो वो हम लोग नोट करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि एंशियंट हिस्ट्री का वो कौन कौन सा टॉपिक है जिससे 6 जेपीएससी में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे आप देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता नोट करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता। अब इससे क्वेश्चन इस टॉपिक को नोट कर लिए, प्रायोरिटी वाइज हम लोग टॉपिक नोट कर लेंगे कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो जेपीएससी उससे लगातार क्वेश्चन पूछे जा रही है। हम लोग पूरे 6 जेपीएससी का प्रीलिम्स में 6 जेपीएससी हम लोग देखेंगे और हम लोग प्रायोरिटी वाइज सेट करेंगे कि ऐसा कौन कौन सा टॉपिक है जो जेपीएससी लगातार उस टॉपिक से क्वेश्चन, या फिर हर एक साल या हर दो साल बाद, मतलब देख के तो पता चल ही जाता है ना कि जेपीएससी का फेवरेट टॉपिक कौन सा है। अब जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, ठीक है, जैन धर्म हो गया, ये टॉपिक हम लोग निकाले प्रीलिम्स में कि ये तीन टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है। अब देखना है कि ये तीनों टॉपिक मेंस में है कि नहीं है, मेंस के सिलेबस में ये तीनों टॉपिक है या नहीं, ठीक है। तो जब हम लोग ये चेक करेंगे कि मेंस के सिलेबस में ये है नहीं है, नहीं है, नहीं है, क्या है, ये हम लोग चेक करेंगे। उस ये चीज हम लोग पहले सिलेबस पे ये काम करेंगे। अब हम लोग का एक फाइनल सिलेबस तैयार हो जाएगा। कुछ ऐसा टॉपिक नहीं, मतलब हो सकता है कि कुछ ऐसे टॉपिक हो जिससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा है जेपीएससी एक साल, लेकिन मेंस में वो टॉपिक नहीं है तो हम लोग उस टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे। आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा कि ये यहां सिलेबस के बाहर हम लोग कुछ भी नहीं करने वाले, ये एग्जाम सिर्फ और सिर्फ जेपीएससी ओरिएंटेड है, यहां का पढ़ाया हुआ और किसी एग्जाम में काम नहीं आने वाला। हम लोग हर चीज को, मतलब अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता जेपीएससी की नजर से पढ़ रहे हैं तो हम पूरी तरह से जेपीएससी ओरिएंट होकर के इस चीज को पढ़ेंगे, इसमें बीपीएससी भी कहीं नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले सिलेबस पे वो काम हम लोग करेंगे कि पहले वो टॉपिक्स निकालेंगे हम लोग जो प्रीलिम्स में भी है और उस जो मेंस में है और उससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये एंशियंट हिस्ट्री पे हम लोग काम कर लिए। अब दूसरा पार्ट क्या करने वाले हैं, जब सिलेबस एनालिसिस हम लोग कर लिए उसके बाद हम लोग एक सीट बनाएंगे, एक सीट A4 सीट, आप लोग A4 साइज सीट ले लीजिएगा, A4 सीट बनाएंगे। उसमें क्या करेंगे कि जो भी प्राचीन काल से सिक्स्थ जेपीएससी में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है उसको नोट करेंगे, हर क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव के साथ नोट करेंगे, आंसर नोट नहीं करेंगे, ठीक है, वो काम करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि इसी सिक्स जेपीएससी में जैसे पार्ट ए में हम लोग प्रीलिम्स के क्वेश्चन को नोट करेंगे और उसी सीट में फिर पार्ट बी होगा, ठीक है, पार्ट बी होगा जिसमें से पहले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एंशियंट से उसको नोट कर लेंगे और फिर जो एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है वो नोट कर लेंगे। अभी सिर्फ हम लोग अपना टूल तैयार कर रहे हैं, पढ़ना स्टार्ट नहीं किए, ठीक है। ये चीज जब हम लोग तैयार कर लेंगे तो एंशियंट हिस्ट्री का एक पूरा का पूरा सीट हमारे पास अवेलेबल है। अब एंशियंट हिस्ट्री पढ़ने के लिए हमको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज को तलाशने की जरूरत नहीं है। टॉपिक उठाए, हम लोग वीडियो लेकर के आ ही रहे हैं या फिर जो भी आप किताब फॉलो कर रहे हैं वो किताब फॉलो करेंगे, वो टॉपिक पढ़ेंगे और आपका जो नोट्स जो होगा, नोट्स का जो कंटेंट होता है ना, विषय सूची यही होगा, ये और ये सिलेबस, ठीक है। ये मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं इसका वीडियो जब अभी मैं जो पहला लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा उस पर हम लोग पहला काम यही करेंगे, तो एक वीडियो में आप ये देखेंगे तो मेरा अप्रोच आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं। देखिए, जब आपको जीतना हो ना तो जीतने के लिए रणनीति ज्यादा महत्वपूर्ण होती है आमने सामने की लड़ाई से, ठीक है, तो रणनीति पे थोड़ा फोकस कीजिए।
सिलेबस पे थोड़ा फोकस कीजिए, पास्ट पेपर पे थोड़ा फोकस कीजिए, लेकिन ये काम सब कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी बंदा सिलेबस पे या पास्ट पेपर पे काम नहीं कर रहा, हर बंदा इस पे काम कर रहा है। लेकिन फिर आपका अप्रोच अलग कैसे होना चाहिए? आप ये काम करेंगे, ये एक अलग अप्रोच है एग्जाम को समझने के लिए। ये चीज ना, ये जो आप अभी जो हम लोग का अप्रोच था, ये जो अप्रोच है ना, ये अप्रोच पूरी तरह से एग्जामिनर के दिमाग को समझने में आपकी मदद करेगा। ठीक है, पूरी तरह से ये अप्रोच एग्जामिनर का दिमाग को समझने में मदद करेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि हम लोग क्लासेस कैसे करेंगे, या फिर आप बुक लिस्ट क्या होना चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है बुक लिस्ट जब हम लोग सिलेबस वाइज सब्जेक्ट वाइज सिलेबस डिस्कस करेंगे ना, तो ही बुक लिस्ट पे हम लोग डिस्कशन करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर भी कुछ इसेंशियल बुक है जो हम लोग देख लेंगे। सबसे पहला जो काम हम लोग करेंगे वो करेंगे ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है स्पेशली झारखंड के एग्जाम के लिए? एक तो जब आप सिलेबस देखेंगे झारखंड के मेंस का, तो वो है तो जनरल स्टडीज का पेपर, लेकिन वो जनरल स्टडीज ना होकर के ऑप्शनल है। ठीक है, सारे पेपर ऑप्शनल के रूप में है। ठीक है, फिर भी ये ज्योग्राफी क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है झारखंड के लिए सबसे ज्यादा, क्वेश्चन जो भी आए, लेकिन पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? देखिए, ऐसी बात है कि एक तो यहां हमारा जो झारखंड है वो पूरी तरह से एक रिसोर्सफुल स्टेट है, यहां पे संसाधन भरपूर संसाधन है, फिर भी जो हमारा राज्य है वो बहुत पिछड़ा हुआ है। सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम जेपीएससी के एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने से सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग को टिक करना चाहिए वो यही क्वेश्चन होना चाहिए कि यहां इतना खनिज संसाधन है फिर भी ये स्टेट इतना पिछड़ा हुआ क्यों है? और इस चीज का जवाब ज्योग्राफी देता है। कैसे देता है? इस चीज पे एक बार एक ब्रीफ डिस्कशन हम लोग करते हैं। देखिए, इंडस्ट्री जो होते हैं ना, वो दो तीन तरह के होते हैं। एक इंडस्ट्री होता है जिसका जो रॉ मटेरियल है, यानी जो सामान का वो उपयोग करता है, वो इंडस्ट्री वहीं लगाता है जहां वो रॉ मटेरियल मिलता है, यानी रॉ मटेरियल बेस्ड, रॉ मटेरियल बेस्ड। रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री, ये क्या होता है? ये इंडस्ट्री समझिएगा, ये एक एरिया है जहां पे कोयला मिलता है, ये एक एरिया है जहां पे लोहा मिलता है। ठीक है, आप टेक्निकलिटी पे नहीं जाइएगा, ये मार्केट है। एक कंपनी है, उसको स्टील बनाना है और स्टील बना करके और बेचना है, स्टील बना करके बेचना है। मान लीजिए कि 5 केजी लोहा और 5 केजी कोयला के मिलने पे 1 केजी स्टील बनता है। ठीक है, ये हम लोग मान लेते हैं। अब वो अगर जो कंपनी है वो अगर इंडस्ट्री यहां लगाती है, मार्केट ओरिएंटेड, अगर मार्केट के पास वो इंडस्ट्री लगाती है, तो उसको 5 केजी लोहा यहां से इंपोर्ट करना मंगाना होगा, 5 केजी कोयला यहां से मंगाना होगा। ठीक है, उसको ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो ट्रक का भाड़ा है वो यहां 5 केजी के लिए लग रहा है और यहां भी 5 केजी के लिए लग रहा है। वो यहां पे बनाएगा सामान 1 केजी स्टील और उसको यहां से लिया करके यहां बेचेगा। ठीक है, तो इसमें तो उसको फायदा नहीं होने वाला कंपैरेटिवली कि अगर वो यहां पे इंडस्ट्री बनाए और यहां से 5 केजी कोयला और 5 केजी लोहा ले और 1 केजी स्टील जो है वो यहां से यहां बेचे। अब आपको देख रहे हैं कि ट्रक का भाड़ा उसको सिर्फ 1 केजी का लग रहा है। ठीक है, वो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बचा लिया क्योंकि वो जो रिसोर्स जहां मिल रहा था, जो रिसोर्स था वो वहां पे इंडस्ट्री बनाया और जो फाइनल सामान था, जो स्टील था, उसको मार्केट में बेच रहा है, तो उसको सिर्फ 1 केजी का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लग रहा है। तो ऐसी इंडस्ट्री जो इस काइंड की इंडस्ट्री होगी वो कहां पे अपना फैक्ट्री लगाना चाहेगी? जहां रॉ मटेरियल मिलता है। ठीक है, एक तरह का इंडस्ट्री ये हुआ। दूसरा इंडस्ट्री,
इस चीज को ध्यान में रखिएगा, यही कहानी झारखंड की है। अभी हम लोग तुरंत इस पर लौट के आ रहे हैं। एक इंडस्ट्री होता है जैसे कार, कार इंडस्ट्री क्या है कि मान लो यहां उसका एक सामान मिला, यहां एक सामान मिला, यहां एक सामान मिला, यहां एक सामान मिला, ठीक है, और यहां पे मार्केट है, तो वो इंडस्ट्री यहां नहीं लगाएगी क्योंकि कार का ट्रांसपोर्टेशन उसको ज्यादा महंगा पड़ जाएगा सामान से, ठीक है। जैसे मोबाइल, कुछ सामान जापान में मिलता है, कुछ सामान चाइना में मिलता है, कुछ सामान कोरिया में मिलता है, कुछ सामान यूएसए में मिलता है। मोबाइल फैक्ट्री क्या करेंगे, हम मार्केट में खोलते हैं, ठीक है, यहां से छोटा सामान छोटा सामान छोटा सामान छोटा सामान मंगवा के और मोबाइल यहां बना के और यहां हम लोग बेचते हैं मोबाइल, ठीक है, क्योंकि यहां पे हम लोग को लेबर सस्ता मिल जाता है। कार की भी वही बात है, कार के लिए भी अगर हम लोग यहां पे कार बना इंडस्ट्री खोलते और ये सामान यहां 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 मंगा के और कार यहां बना के और यहां से बेचते तो ये ज्यादा महंगा पड़ जाता क्योंकि कार का ट्रांसपोर्टेशन खर्च छोटे छोटे सामानों के ट्रांसपोर्टेशन खर्च से कहीं ज्यादा है, ठीक है। तो ये दो तरह का इंडस्ट्री होता है जो लगता है। अब होता क्या है, झारखंड के साथ क्या हुआ, अब वो हम लोग देखते हैं। चूंकि झारखंड में लोहा और कोयला दोनों है, इसलिए बोकारो में जाकर के स्टील प्लांट खुला, वहां पे स्टील बनने लगा। लेकिन आप लोग ये देख रहे थे कि जहां पे स्टील बन रहा था स्टील वहां बिक नहीं रहा था, स्टील का मार्केट दूसरा जगह पे था, दूर था। यानी झारखंड का स्टील झारखंड में जो स्टील बनता है वो बिकता कहां है, तो वो महाराष्ट्र में बिकता है, वो गुजरात में बिकता है, वो तमिलनाडु में बिकता है। ये सामान यहां बनता है और यहां से यहां सप्लाई होता है, यहां सप्लाई होता है, यहां सप्लाई होता है। इसका मतलब ये है कि झारखंड सिर्फ सामान प्रोवाइड कराता है जिससे स्टील बनता है, लेकिन स्टील का मार्केट झारखंड में नहीं है। ये क्या कहानी है, जैसे अंग्रेज क्या करते थे कि यहां से रॉ मटेरियल जो था वो कच्चा सामान इंग्लैंड ले जाते थे, इंग्लैंड में वो सामान बनाते थे और वापस लाके इंडिया में बेच देते थे। मतलब एक तरह से दबा हुआ, एक तरह से दबा हुआ स्टेट बना के रखिए, क्योंकि यहां अगर आप स्टील मार्केट बनाते हैं तो यहां के लोग होशियार होने लगेंगे, यहां का मार्केट बड़ा होने लगेगा, तो ये यहां का मार्केट, यहां का मार्केट, यहां का मार्केट बंद होने लगेगा, क्योंकि फिर स्टील झारखंड बेचने लगेगा पूरे वर्ल्ड में और झारखंड के लोग बड़े हो जाए। इसलिए यहां के लोगों को बेवकूफ बनाइए, यहां का रिसोर्सेस का दोहन कीजिए और इसके अगल बगल वाले जो स्टेट है उनको रिच बनाइए। पहले अंग्रेजों ने हमारे भारत के साथ ये भारत को उपनिवेश बना के रखा, अब बाकी जो स्टेट है वो हमारे झारखंड को उपनिवेश बना के रख रहा है। कितनी शर्म की बात है ना कि भारत डेमोक्रेटिक कंट्री होने के बाद भी हमारे जैसे झारखंड जैसे स्टेट के साथ इतना बुरा बिहेव करता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में यही आना चाहिए जब भी आप जेपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करें कि झारखंड को क्यों बर्बाद किया जा रहा है, क्यों कोई भी गवर्नमेंट इसको ठीक नहीं करती, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि झारखंड के लोग होशियार बने या झारखंड के लोगों को पता चले कि उनके पास क्या है। उनको बेवकूफ बनाएंगे तभी तो कोयला और लोहा सस्ता मिलेगा। उनको अगर हम बता दें कि स्टील इतना महंगा बिकता है तो वो कोयला लोहा नहीं बेचने लगेंगे। तो ज्योग्राफी झारखंड के लिए इतना इंपॉर्टेंस रखता है। तो सबसे पहला चीज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो हम लोग करेंगे ज्योग्राफी। इस विषय पे हम लोग जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे झारखंड का तो ज्यादा चर्चा करेंगे, लेकिन एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना बहुत जरूरी था। सबसे पहले हम लोग ज्योग्राफी करेंगे, मतलब ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के साथ साथ ही हम लोग पेपर सिक्स करेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो पोर्शन है, और जब ये दोनों खत्म हो जाएगा तो तीसरा जो होगा वो हम लोग पेपर फाइव करेंगे, यानी इकोनॉमिक्स वाला जो पोर्शन है उसको। ये तीनों टेक्निकल पेपर जब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो बचता क्या है हमारे पास, इतिहास, राजव्यवस्था, लोक प्रशासन और कुछ नहीं। इसके अलावा जो हम लोग के पास बचता है वो है झारखंड विशेष। झारखंड विशेष इनके पैरलली ही चलेगा, झारखंड विशेष इनके पैरलली ही हम लोग झारखंड विशेष क्लास करेंगे। हो सकता है आपको आज या कल ही झारखंड का पहला वीडियो मिले कि इंट्रोडक्शन, और मैं ये आप लोगों से मतलब एक तरह से चैलेंज करता हूं कि झारखंड स्पेशल जो होगा उसमें हमारी भावनाएं भी छुपी होंगी, क्योंकि जैसे
मतलब हम लोग एक उपनिवेश स्टेट बने हुए हैं, यहाँ के लोग नहीं चाहते कि यहाँ के लोग आगे बढ़े, लेकिन अब जैसे कि हम लोग झारखंडी हैं तो एक जिम्मेवारी हमारी ये भी बनती है कि हम लोग झारखंड को थोड़ा बेहतर तरीके से जानें। इसलिए हम लोग झारखंड में हमारी भावनाएं भी छुपी होंगी इस विषय को पढ़ते हुए, इसलिए इस विषय को हम लोग थोड़े और बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। इस विषय को विषय के तौर पर नहीं पढ़ेंगे, इस विषय को हम लोग झारखंड को जानने के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्लास चलेगा, हम लोग पहले फिजिकल ज्योग्राफी करेंगे, फिर इंडियन ज्योग्राफी करेंगे, फिर झारखंड का ज्योग्राफी करेंगे, और क्लासेस हिंदी में ही चलेगी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि पहले तो ये वीडियो कैसा लगा, और इसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं कि ज्योग्राफी की जगह पे कोई और पेपर शुरू किया जाए तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। झारखंड तो हम लोग साथ ही साथ पैरेलली स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।